यहां से अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। यहां बलौदा बाजार आज शाम को सुलग उठा। यहां हजारों की भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की, दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी, पथराव किया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट और वजह इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हजारों हजार की उग्र भीड़ ने जो कुछ किया उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हजारों की उग्र भीड़ बेहद हिंसक तरीके से आगे बढ़ रही थी। इनसे बचने के लिए पुलिस वाले भी भागते नजर आए। कुछ नहीं होना है, अगर किसी साथी को अपमानित क्षति होगी तो हमारा ही भाई है। देखो, हमारा ही भाई है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी लेकिन कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हजारों की भीड़ के आगे चंद पुलिस वाले उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यह उग्र भीड़ लगातार कोहराम मचा रही थी। गुस्साए लोगों ने कलेक्टर दफ्तर में आग लगा दी। आग लगने से कई विभागों के दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग ही लगा दी है बॉस। लोगों ने आधा दर्जन से ज्यादा बाइक और कारों को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि दमकल की दो गाड़ियों में भी आग लगा दी और एक में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की थी लेकिन लोगों ने उसे भी तोड़ दिया। इस घटना में कई पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर। इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।